जयपुर नाम का एक गांव था जिसमें एक सेठ रहा करता था। वो सेठ बहुत ही कंजूस था। एक दिन सेठ के एक मित्र ने कहा, सावन का महीना है, चलो दोनों गंगा स्नान करने चलते हैं। नहीं नहीं भाई, मुझे नहीं जाना। सेठ कंजूस था ना, इसलिए वो कहीं जाने की सोचता भी नहीं था। उसी रात उसकी पत्नी ने कहा, सुनिए, सावन का महीना है, आपको गंगा स्नान करने जाना चाहिए। अड़ोस पड़ोस के भी सभी लोग जा रहे हैं। तुम सभी एक ही जैसी बातें कर रहे हो। आज हरिया भी तो यही कह रहा था। पता है, गंगा नहाने जाओ तो वहाँ पर भी पंडित पैसे मांगते हैं। पत्नी की जिद के आगे किसकी चल पाई है, आखिरकार उसे जाना ही पड़ा। गंगा पहुंचकर सेठ मन ही मन बोला, ओहो, यहाँ तो बहुत ही भीड़ है। चलो चलो, मैं कहीं ऐसी जगह देखता हूँ जहाँ पर भीड़ ना हो, नहीं तो पंडित बहुत सारा पैसा मांगेंगे, मैं नहीं देने वाला पैसा वैसा। वह चलता रहा पर उसको कोई घाट खाली नहीं मिला। चलते चलते वो शमशान घाट पहुंच गया। हाँ, ये जगह ठीक है, यहाँ पर तो कोई पंडा भी नहीं आएगा। शमशान घाट में भगवान शिव का निवास था। उन्होंने उसे देखा तो मन ही मन सोचा, अच्छा तो ये कंजूसी के कारण यहाँ पर नहाने आया है, तो चलो इसकी कंजूसी की हद देखता हूँ, देखता हूँ कि ये कितना कंजूस है। जैसे ही वो नहाकर बाहर निकला, शिवजी ने कहा, जजमान दक्षिणा दीजिए। तुम कौन हो, यहाँ पर तो कोई पंडित नहीं था। हाँ, ये मेरा क्षेत्र है, यहाँ का सारा चढ़ावा मैं ही लेता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं तुमको एक पैसा ही दे पाऊंगा। ठीक है, लाओ दो, एक पैसा ही दो। हाँ, पर अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं है, तो तुम ऐसा करो, एक पैसा उधार चढ़ा लो मेरे ऊपर। हाँ तो ठीक है, अपना नाम पता लिखवा दो, हम स्वयं आकर ले लेंगे। कुछ दिन बाद शिवजी उस सेठ के घर पहुँचे। सेठ की पत्नी बाहर निकली और बोली, जी आप कौन? जी वो जजमान के ऊपर मेरा एक पैसा उधार है, मैं वही लेने आया हूँ। पत्नी अंदर जाकर सेठ से कहती है, सुनिए, कोई आया है, कह रहा है आपके ऊपर उसका एक पैसा उधार है। सेठ उसे पूरी बात बताता है। ऐसा करो, जाके उससे कह दो कि मेरे पति घर पर नहीं है। पत्नी बाहर जाती है और कहती है, जी मैं भूल गई थी, मेरे पति तो बाहर गए हैं, वो घर पर नहीं है, आप बाद में आइएगा। हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं उनका यही इंतजार कर लूंगा, तब तक आप जो खाने के लिए बनाया है वो लाकर हमें दे दीजिए, बड़ी भूख लगी है। पत्नी अंदर आती है और कहती है, अरे वो खाना मांग रहा है, एक पैसे के चक्कर में खर्चा ज्यादा हो जाएगा, उसको एक पैसा दे दीजिए और चलता करिए। अरे तू एक काम कर, उससे जाके कह दे मेरे पति बीमार हैं। हाँ, ये कह दे, तुम बाद में आना, जा बोल दे जाके। वो बाहर जाती है और कहती है, अरे सुनिए, मेरे पति बहुत बीमार हैं, तो आप बाद में आइएगा जब वो ठीक हो जाएं। अरे 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 अरे, वो बीमार हैं क्या? हाँ तो लाइए ना, मैं उनका इलाज कर देता हूँ। शायद आपको पता नहीं है, मैं एक वैद्य भी हूँ। पत्नी अंदर आती है और कहती है, सुनिए, वो कह रहा है वो वैद्य भी है, वो आपका इलाज भी कर देगा। अरे तो उसे भगा दे, अभी एक पैसा तो दिया नहीं है, पता नहीं इलाज करके कितना रुपया मांग लेगा। तू एक काम कर, उसको बोल दे कि मेरे पति मर गए। अरे आप क्या फालतू की बात कर रहे हो, आप तो जिंदा हो तो उससे इस तरह का झूठ क्यों बोलना। मुझसे बहस मत कर, जैसा बोला है वैसा ही कर, उससे जाके कह दे कि मेरे पति मर गए, जा बोल दे जाके, जा। पत्नी बाहर जाती है और कहती है, वो मेरे पति मर गए हैं। क्या बोल रही हैं आप, आपके पति मर गए हैं? हाँ तो
उन्हें ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए। मैं जाकर सारे गांव वालों को बुला लेता हूँ, ठीक है? शिवजी ने गांव वालों को बुला लिया और उसे शमशान घाट ले जाने की तैयारी करने लगे। सेठ मरने का नाटक करने लगा। जब उसे ले जाने लगे तो उसकी पत्नी बोली, अरे कोई रुको, ये मरे नहीं है, ये जिंदा है। हम समझ सकते हैं कि ऐसे में दिमाग काम नहीं करता है। तुम्हें धक्का लगा है ना, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। अरे आप बोलते क्यों नहीं कि आप जिंदा हैं? कंजूस सेठ बोलता नहीं है। वो सोचता है अगर वो बोला तो उसे पैसा देना पड़ेगा। उसकी पत्नी रोती है, उन्हें रोकती है, पर उसकी कोई नहीं सुनता और वो उसे ले जाते हैं। शमशान पहुंचकर उसे चिता पर भी लेटा दिया जाता है। जजमान अब तो उठ जाइए, अब आपको अग्नि दी जाएगी, फिर कुछ नहीं बचेगा। पर वो आदमी तो बहुत ही कंजूस था, वो उठा नहीं। मैं आज तक लोगों की भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ, पर आज आज मैं तेरी कंजूसी की हद देखकर हैरान हो गया हूँ और तुझ पर प्रसन्न भी हो गया हूँ। उठ जा और बता कि तुझे क्या वर चाहिए। सेठ उठ जाता है और कहता है, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो वो जो एक पैसा है ना, जो आपका मेरे ऊपर उधार है, उसे माफ कर दीजिए। बस। तथास्तु। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।